उसकी भावना बदल गई। भाई जल्लाद, अपने महाराज के आज्ञा का पालन करो। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं आपको इसी जंगल में छोड़ दे रहा हूं और यह नगर छोड़कर कहीं दूर चले जाना और वापस कभी मत आना। नहीं तो महाराज जाने पाएंगे कि जंगली को छोड़ दिया, वो मेरी भी फांसी दिला सकते हैं। भाई जल्लाद, मैं आपको वचन देता हूं, मैं इस तरह राजमहल नहीं आऊंगा। रहे कपड़े खून की बात, खूनों से रंगना है और आंखें निकालना है। मैं चलता हूं, इसी जंगल में हिरन का शिकार करूंगा और उसी के खून से जंगली के कपड़े रंगूंगा और महाराज को मैं दिखाऊंगा। अरे राम कई बिगाड़ल बतिया, राम कई बिगाड़ल बतिया, अरे केहू ना बनाई, राम कई बिगाड़ल बतिया, राम कई बिगाड़ल बतिया, केहू ना बनाई, राम कई लक्ष्मण बिगड़े बिगड़ जानकी माई, राम बिगड़ गए लक्ष्मण बिगड़े बिगड़ जानकी माई, अंजल पुत्र हनुमान बिगड़ गए सोने की लंका जलाई, राम कई केहू न बनाई, राम कई बिगा, ये तो मेरे पकड़ो, इससे क्या होगा, जाओ महाराज को कैद करके जिंदल के अंदर बंद करो, उसके बाद तुम्हारी शादी कराऊं, सबकी फांसी कराऊं। महारानी की जय हो। मैं हूं गजराज सिंह, तेरे हाथ पे जंगली का डमरू और मेरे हाथ में हथकड़ी, तुमने ऐसा क्यों किया? डमरू की चोरी मैं किया, मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। जिस जेल में मैं तड़प रहा था उसी जेल के अंदर तुम घुट घुट कर मर जाओगे, घुट घुट कर मर जाओगे। राजराज सिंह मर्द है तो हथकड़ी खोल दे, तेरा मेरा फैसला यहीं पर हो जाएगा। फैसला क्या होगा? हथकड़ी खोल दूंगा, अपने जान बचाने के लिए यहाँ से भागोगे, भागोगे तो मैं डमरू बजा दूंगा। चलो जेल के अंदर आओ। सेनापति गजराज, ये मैं क्या देख रहा हूं कि महाराज के हाथ में हथकड़ी? महामंत्री सखदेव सिंह जी महाराज, ये बात कुत्ता आदमी है, ऐसा करो तुम यहां से वापस चले जाओ। नहीं महाराज, मैं आपको छोड़कर वापस कभी नहीं जाऊंगा। छोड़कर तुम्हें जाना होगा, क्योंकि इसके हाथ में गजब का डमरू है, तुम लड़कर इससे पेश नहीं पा सकते, चले जाओ वापस। इसके हाथ में गजब का डमरू है तो मेरे हाथ में तलवार है।
महाराज किसने किया? बेटा अमर, ये तलवार मुझे सेनापत गजराज ने मारा है और महाराज को कैद करके ले जा रहा है, उनकी जान बचा लो बेटे। यार भगवान, आज मैं क्या सुन रही कि मेरी माँ ने जंगली को मरवा दिया। ठीक है, चलती हूँ, सामने दरिया बह रही थी, दरिया में कुछ अपनी जान दे दूंगी। सुबह के 6 बजने वाले हैं, चलता हूँ गंगा स्नान के लिए, स्नान करूंगा उसके बाद। गंगे माँ, मैं आपकी गोद में आ रही हूँ, बोलो गंगे मैया की। पापा मुझे छोड़ दो। इस तरह क्यों आत्महत्या करने जा रही हो बेटी? क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों अपनी जान खो रही हो? बताओ बेटी। बाबा, मैं जंगली से प्यार करती हूँ, मेरी माँ ने मरवा दिया। अरे छोड़ो बेटी जंगली वंगली को, चलो चलो आज रात हमारे घर पे रहो, सुबह हम तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। नहीं बाबा, मुझे मरने दो बाबा। नहीं, ऐसे आत्महत्या नहीं किया जाता बेटी, चलो मेरे साथ। या ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। मरते समय मुझे उन्होंने ये बताया है कि बेटा जंगली, तू मेरा सगा बेटा नहीं है, तू किसी और का बेटा है। आज के 20 बरस पहले मैं तुझे जंगल में पाया था, लकड़ी काटने गया था। कौन है मेरा बाप और कहाँ ढूंढूं? या ऊपर वाले, मुझे मेरे पिछड़े बाप से मिला दे। प्यास जोरों से लगी है, वो सामने झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, चलता हूँ वहीं पर मांग कर पानी पीऊंगा, अपनी प्यास बुझाऊंगा, फिर आगे प्रस्थान करूंगा। दुनिया में तेरा है प्रभु जी कहिले रहिले हमारे घरवा आवई का दरस दिखावई ताना। प्रभु जी कहिले रहिले हमारे घरवा आवई का दरस दिखावई ताना। हमरे प्रभु आई है कहिया कब से हाँ निहारू कहिया। हमरे प्रभु आई है कहिया कब से हाँ निहारू रहिया। अतिया तरस रही है हो, अतिया तरस रही है उनके दर्शन पावई का दर्शन दिखावई। बाबा जी ने कहा था कि तुम्हारा बेटा तुम्हें 20 साल बाद मिलेगा, आज 20 साल पूरे हो गए, लेकिन मेरा बेटा मुझे नहीं मिला। कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। बाबा जी पानी दो मुझको, मानूंगा यह
और पानी को लो पीजिए ओ राही तू जवान और बैठ रहा सुस्ताइए मेरी झोपड़ी दरम्यान। घबराओ नहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ। मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है। लाता हूँ। क्या वो परवाह है, बाबा? लाखों किसान पानी पिला रहे हैं, हाथ में चक का निशान देखा, उन्हें अपने बेटे चक्रसेन की याद आ गई और लौटू बेचारे रोने लगे। मेरे बेटे के भी हाथ में चक्र का निशान था। बेटा, बाबा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? बाबा, मैं पलंगपुर गांव में रहता था। मेरा नाम जंगली है। मेरे बाबूजी का स्वर्गवास हो गया, मरते समय मुझे ने ये बताया है कि बेटा जंगली, तू मेरा सगा बेटा नहीं, तू किसी और का बेटा है। आज के 20 वर्ष पहले मैं तुझे जंगल में पाया था, इतना बताकर उन्होंने अपनी प्राण छोड़ दिया। बेटा, तू कोई जंगली वंगली नहीं, तू बल्कि मेरा बेटा चक्रसेन है। बेटा, बाबा जी ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा बेटा 20 साल बाद मिलेगा। तू मेरा बेटा है, तेरे हाथों में देख ये चक्र का निशान है, तू मेरा बेटा चक्रसेन है। बेटा, बाबा जी ने कहा था कि बेटा तू राजा बनेगा, लेकिन तू तो दर बदर की ठोकरें खा रहा। बेटा, किस हालत में तुझे देख रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? किरण, तुम यहाँ कैसे? मुझे बाबा ने बचाया है। मैं सुनी कि माँ ने आपको मरवा दिया, इसलिए मैं दरिया में कूद के अपने जान देने जा रही थी। बाबा ने मुझे बचाया है। किरण, ये मेरे बिछड़े बाप हैं, 20 साल के बाद मुझे मिले। पिताजी, हाँ, इनके पांव छो। आलोक निरंजन भी राधे श्याम राधे श्याम, और नाम हरि का जपुल रे बंदे, नहीं पीछे पछताएगा। बाबा जी, आपने कहा था आपका बेटा 20 साल मिलेगा और वो राजा बनेगा। मेरा बेटा देखो दर बदर की ठोकरे खा रहा है। बाबा जी, लौटो किसान, धीरज धरो, अभी थोड़ा वक्त बाकी है वो दिन आने में। और बेटा चक्रसेन, मैंने तुम्हें जो डमरू दिया था वो कहाँ है? बाबा जी, वो तो चोरी हो गया। बेटा, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो,
तुम्हारे तकदीर में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। बेटा ऐसा करो कि तुम एक नाव का भेष बनाओ और बेटी तुम नाउन का भेष बनाओ, क्योंकि वहां पर महाराज ने बहुत महाराज के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। महारानी ने प्रेम लता की शादी गजराज सिंह से करा रही है। अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर रही है वो। हाँ बेटा, और लौटू किसान तुम चिंता मत करो, चलो बाबा जी हमारे साथ। बाबा जी मेरा बेटा इतने दिनों के बाद मुझे मिला है, मैं इसे नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं लौटू नहीं, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए, मेरा बेटा मिल गया है, मैं नहीं जाने दूंगा। लौटू किसान, चक्रसेन के तकदीर में लिखा है कि एक दिन वो शंकरगढ़ रियासत का राजा बनेगा। पिताजी, राजा साहब, राजा साहब इस समय संकट में हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपका आशीर्वाद व बाबा जी का आशीर्वाद।